सर्विलेंस अपन सोशल मीडिया, तो वो राउंड द क्लॉक काम करती हैं और एक हमारी टीम बैठी है जो सर्विलेंस रखती है, स्पेशली उन लोगों पे कि जो अपने फेसबुक अकाउंट पे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल अपलोड करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो अकॉर्डिंगली एक केस हमारे नोटिस में आया था, यहाँ शालबुक का बच्चा है कि जो अपने फेसबुक पे ISI आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए डिफरेंट कंटेंट्स अपलोड कर रहा था, उसको हमने ज़ीरोइंग करके उसका फ़ोन नंबर ट्रेस किया। देन फर्दर सर्विलेंस से पता चला कि ये पाकिस्तान में हैंडलर्स एक फियाज करके उसके टच में था और उसने शोपियाँ के एक ग्रुप से इसको कॉन्टैक्ट करवाया था एंड ही वॉज मोटिवेटेड के ज्वाइन करें मिलिटेंसी को। अभी ये 10th क्लास का स्टूडेंट है और इसका जो माइंडसेट हमने जब इंट्रोगेशन के दौरान पता चला कि हाईली रेडिकलाइज्ड बच्चा, जिसको हर चीज़ में लगता है कि ये दुश्मन है, फोर्स दुश्मन है, हर एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट जो गवर्नमेंट का वो इसका दुश्मन है। सो ही वॉज़ रेडी टू ज्वाइन बट टाइमली हमने उसे अरेस्ट किया। वी हैव रजिस्टर्ड केस FIR नंबर 4 पुलिस स्टेशन खीर भवानी में और अरेस्ट के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। हमने फैमिली को बुलाया, वी फाउंड कि ये आर्फन बच्चा है और इसको पहले भी एक बार बुलाया गया था यहाँ पुलिस के पास, इसको वार्न किया गया था कि आप अपनी एक्टिविटी सुधारें, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस माइंडसेट के जो सपोर्ट कर रहे हैं, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम एंड इंश्योर कि कोई भी यूथ खासकर इन चीज़ों में जो पढ़ेगा वो डीरेडिकलाइज करवाया जाए और स्पेशली अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज ज़्यादा हैं तो क्रिमिनल केसेस में बुक किया जाएगा। वी विल ट्राई टू सपोर्ट देम कि वो नॉर्मल लाइफ जिए और जो लोग इसमें सपोर्ट करें उनके खिलाफ एक्शन होगा। इंटरेस्टिंगली इसने जो मोडस ऑपरेंडी थी उसमें 15 डिफरेंट किस्म के VPN यूज़ कर रहा था। ये जब जब गवर्नमेंट एक जगह से उसको बैन करती है, ब्लैक लिस्टिंग करती है, दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है और ये इसकी एक्टिविटीज़ पिछले 2 महीने से बहुत रेगुलर चल रही थी एंड दैट इज़ व्हाट वी रिक्वेस्ट कि ऐसे जो वाइट लिस्टेड साइट्स नहीं हैं उनको मत अदर मीन से आप एक्सेस करें। अगर कोई पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा और उसके बाद आपको देर विल बी नो रिकोर्स के उसको बच पाए। अगेन इट्स वार्निंग, प्लीज़ नॉट टू यूज़ ऐसी बैंड साइट्स और बैंड सॉफ्टवेयर जिससे कि आप गलत चीज़ों में पड़ जाएँ। सो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन कि जो इस चीज़ में है वो सुधर जाए।